आदिवासी लोग तो खाते ही है सुअर, आदिवासियों को ही सिखाया जाए, आदिवासियों के लिए ही पाला जाए। तो हमने 2002 में रिटायर करने के बाद ये शुरू किया। इससे पहले तो सिर्फ खेती, खेती से कुछ फायदा नहीं होता था। जिसके पास अपना परिवार है और परिवार के लोग खेती में भाग ले सकते हैं, उन्हीं को सिर्फ खाने को मिलेगा, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सुअर तो एक देहात वाला भी पाल सकता है, एक पढ़ा लिखा भी पाल सकता है, एक फार्म वाला भी पाल सकता है, कोई लेमैन भी पाल सकता है। लेकिन हमने उस डॉक्टर आर एम मिश्रा के साथ में मिल के बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। पहला तो ये ब्रीड पर किया, दूसरा चीज फीड पर किया। एक फार्मिंग से हम टाटा कंपनी के साथ भी तुलना करते हैं कि वो भी अगर परसेंटेज निकाले तो इतना इनकम नहीं है। अच्छा, इतना 60% किसमें है? एक मारवाड़ी को लीजिए, एक बोरा, एक क्विंटल अगर चावल खरीदता है या अनाज खरीदता है, बेचता है तो 50 रुपया से ज़्यादा नहीं मिलता होगा। सो कितना आया, 1,000-1,200 रुपया में एक बोरा खरीदा तो 50 रुपया का इनकम हुआ, कितना परसेंट आया। और यहाँ इसको 4,000 में खरीदिएगा तो 20,000 में बेचिएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान अपने अभिवादन में यह कहा कि नौकरी क्यों ज़रूरी है, पैसा कमाने के लिए ना, तो पैसा कमाने के लिए सरकारी नौकरी ही की आवश्यकता तो नहीं है, स्वरोजगार कर सकते हैं। आप मुर्गी पाल सकते हैं, उससे जो अंडा होगा उसे सरकार खरीदेगी। आप सुअर पाल सकते हैं और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विरोध भी हुआ, इस बयान की निंदा भी की गई कि जिस मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले, चुनाव जीतने के लिए हर साल 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था, सरकारी नौकरी देने का वादा किया था हर साल 5 लाख युवाओं को, वो वादा अब जमीन पर नहीं उतर पाया, तो वो स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, मुर्गी पालने की बात कर रहे हैं, सुअर पालने की बात कर रहे हैं और स्वरोजगार के कई चीज़ों पर बात कर रहे हैं। ये तो एक राजनीतिक मामला था और हम भी समर्थन नहीं करते हैं ये कि कोई बच्चा पढ़कर बीएड करके या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में खर्चा कर ले, पढ़ लिख ले, उसके बाद वो सुअर बकरी पाले। स्वरोजगार ठीक है, लेकिन सरकारी नौकरी की आवश्यकता है इस राज्य के अंदर, बेरोजगारी का दर बढ़ गया, ये सब अलग बातें हैं। हम अभी जिनसे मिलने आए हैं हम उनको आपसे मिलाएंगे। वो अगर हम कहें सही शब्दों में तो स्वरोजगार को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने वाले व्यक्ति हैं वो। मुर्गी पालते हैं, सुअर पालते हैं, खरगोश पालते हैं, फार्मिंग करते हैं और कई कई चीज़ें करते हैं। और जमशेदपुर के इलाके में जब आप आएंगे, रांची से लगभग 100-150 किलोमीटर दूर जब आप रांची जमशेदपुर आएंगे, तो जमशेदपुर के इलाके में इनका फार्म हाउस पड़ता है। यहाँ सुअर आपको बड़ी आबादी में मिलेगा और कई सारी चीज़ें, हम इनसे ही जान लें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे साथ अभी हैं जेरोम सोरेंग जी और हम उनसे आपको मिलाते हैं। बुजुर्ग हैं, रिटायर कर चुके हैं, उसके बाद स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्राम सभा। धन्यवाद। पहले तो हम लोग छोटा सा आपका परिचय चाहते हैं। अच्छा, मेरा नाम जेरोम सोरेंग है। ऐसे मैं सिमडेगा का रहने वाला हूँ और वहीं से मेरा बचपन का शुरुआत हुआ, स्कूलिंग वहीं हुआ, लेकिन मैं ग्रेजुएशन के लिए जमशेदपुर आ गया क्योंकि मेरे पिता रेलवे के एम्प्लॉई थे और यहीं पर रहकर मैंने बीए किया, फिर रांची जाकर पीजी किया, पीजी के बाद में मेरा यहीं पर पोस्टिंग हो गया जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में एज ए मनोविज्ञान का प्राध्यापक। उसके बाद मैं 2002 में रिटायर किया जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज से, मेरा पोस्टिंग वहाँ हो गया। उसी समय से मैं सोच रहा था कि एक कविता हमने स्कूल में पढ़ा था कि उत्तम खेती मध्यम वान, तो उत्तम खेती को ही मैंने चुन लिया कि चलो खेती किया जाए। कविता पढ़ी थी उत्तम खेती मध्यम वाणी, तो खेती करने शुरू किया। लेकिन जब खेती करने के लिए उतरा तो मैं अपना नेटिव प्लेस से तो बाहर आ गया, यहाँ जमीन की कमी, तो सब व्यवस्था की कमी। अगर मैं सिमडेगा में रहता तो मेरी अपनी ज़मीन है, वहाँ कर सकता था, कोई खर्च भी नहीं होता ना कोई मेहनत भी नहीं होता, लेकिन वही करता कि जो पुराने तरीके थे उसी से होता। लेकिन मैं यहाँ आया, देखा कि चलो कुछ किया जाए, तो मैंने ऐसी ज़मीन लिया जिसका कोई यूज नहीं था, जहाँ लोग गिट्टी और मुरम मिट्टी वगैरह निकालते थे, ठेकेदार को बेचते थे या ठेकेदार अपने से निकाल के ले जाता था। उसको धीरे धीरे डेवलप करते हुए 50 साल लग गया,
तो इसी में मैंने करके दिखाया कि कैसे खेती किया जाता है। कुछ मशीन खरीदी, कुछ अपने व्यवस्था से किया, अपने से मेहनत करके कुछ नए नए चीज़ों का भी रिपेयर करके बना के, जो कि स्क्रैप में मिलते थे उनको बना कर किया। और अच्छा, उसी मतलब से जो भी आपको कबाड़ में मिला, कबाड़ में मिला, आप उसको संग्रहित करके उसको और बेहतर बना बेहतर बना फिर यूज किया। जैसे कि मान लीजिए कि पावर टिलर है, पावर टिलर खरीदने में 130,000 रुपये लगते थे, हमने 130,000 सब्सिडी में कुछ लेकर बना लिया, 80-86,000 में खरीद लिया। उसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें बना दिया कि घास निकालने के लिए कैसा हो, इसको जोतने के लिए कैसा हो, उसमें मेड़ बनाने के लिए कैसा हो, अपने से ही वेल्डिंग कर कर के उसको बना के तैयार किया। तो आप खेती से शुरुआत की, हाँ, खेती उसके बाद फिर सुअर फार्म, उसको बता रहे हैं। खेती करते करते मेरे पास में जो लोग रहते थे उनसे देखा कि खेती करते हैं, सोचते हैं कि बाज़ार ले जाएंगे तो आज इतना पैसा होगा, लेकिन घर आते आते जहाँ 100 रुपया सोचते थे वहाँ आता था 20 रुपया। तो सोचे कि खाली खेती से केवल कुछ नहीं हुआ होगा, इसीलिए मैंने पशुपालन शुरू किया। और पशुपालन को भी हमने ऐसे किया कि जिसको मोस्ट नेग्लेक्टेड कहेंगे, कि सुअर को सब कोई छी थू करता है, कोई खाता है कोई नहीं, उसमें प्रतिबंध है तो कुछ है तो बोले ठीक है, आदिवासी लोग तो खाता ही है सुअर, आदिवासियों को ही सिखाया जाए, आदिवासियों के लिए ही पाला जाए। तो हमने 2002 में रिटायर करने के बाद ये शुरू किया। इससे पहले तो सिर्फ खेती, खेती से कुछ फ़ायदा नहीं होता था। जिसके पास अपना परिवार है और परिवार के लोग खेती में भाग ले सकते हैं, उन्हीं को सिर्फ खाने को मिलेगा लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये हमने सीख लिया। और इसके साथ अगर पशुपालन करें, सुअर पालें, मुर्गी पालें, बत्तख पालें, बकरी पालें, ये सब में कुछ पैसे आएंगे और इसको रिसाइकल किया जा सकता है। जैसे कि कहा जाता है कि खेती का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको जानवर को खिलाया जाए, जानवर का वेस्ट है उसको खेती में डाला जाए, इसलिए ये सर्कल बना लिया। और इसी से करीब करीब 18 साल हो गए मैंने फर्टिलाइजर का बिल्कुल ही उपयोग नहीं किया। अच्छा, मतलब हम लोग इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, मतलब कि आप जो खेती करते हैं, जो सब्जियां निकलती हैं या उसका जो कचरा होता है वो आप जानवर को देते हैं, सुअर को देते हैं, खरगोश को देते हैं और बाकी लोगों को, और उनका जो मल होता है उसको आप खाद के तौर पे उसी में इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक रिसाइकल हो गया। इसके पीछे मेरा एक कंसेप्ट था, एक धारणा था कि अगर हम सब्जी उगाते हैं, मान लीजिए बैंगन को भी उगाते हैं, हमको कितना मिलेगा, 30-40 रुपया मिलेगा। अगर हम इसको खिला देते हैं, अगर जानवर का 1 किलो भी वजन बढ़ जाता है तो उसका दाम 150 हो जाता है। तो ये मेरा कंसेप्ट रहा, इसीलिए मैं घर नहीं ले जाके सब जानवर को ही खिला देने लगा। मतलब जो खेती करते हैं सब इन लोगों के लिए करते हैं, सीधा सिर्फ इन लोगों के लिए करते हैं, सीधे इनके लिए, धान हो गेहूं हो, सिर्फ सरसों जो खेती करते हैं उसका तेल तो खाता नहीं है, लेकिन उसका खली तो यूज हो जाता है, तो बाकी तेल हम खा जाते हैं, खली इनको। मतलब आप पहले आदमी होंगे जो खेती जानवरों के लिए कर रहे हैं, जानवर से लोग खेती कराते हैं, आप पहले व्यक्ति हैं जो खेती जानवरों के लिए कर रहे हैं। अभी भी जितना करते हैं ना, सब जो गाछ लगा हुआ है, आम लगा हुआ है, चाहे तो कटहल लगा हुआ है, सब फल जो पक जाता है तो फिर हम उसको तोड़ के इन्हीं जानवर को खिला देते हैं। सीखे हैं कहीं जाकर, खाली ये खुद से, ये अपने से ही शुरू किया। ट्रेनिंग तो बाद में किया, जब हमको सब कोई इंसिस्ट करने लगे कि कुछ ट्रेनिंग में आइए तो कुछ सेमिनार में आइए, तो ऐसे हमने कई बार रांची गया, कई बार KVK से मिला, कई बार VC एग्रीकल्चर से मिला, और वहाँ के हर लोग, यहाँ तक कि यहाँ पर किसानों के घर घर जाकर हमने उनको ये शिक्षा दी है। अच्छा, आप ट्रेन भी करते हैं? ट्रेन भी कर देते हैं। मेरे साथ मेरे एक गुरु हैं, डॉक्टर RM मिश्रा, KVK के डॉक्टर हैं, विश्वा एग्रीकल्चर का एक पार्ट है, तो वो मेरे गुरु हैं, उसी से मैंने शुरू सीखा। पहले तो मैं स्कूल एज में तो खेती क्या है, जानवर पालना क्या चीज़ है, ये जानता नहीं था, लेकिन इतना हमने सुना था और देखा था अपनी मदर से, माँ से, कि जानवर सुअर पाल के ये हमारा फी अदा कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं इसे डेवलप कर सकते। तो आपकी माँ ने आपको सुअर पाल कर पढ़ाया तो आप उसको दिमाग में बना के रखा था, जो सुअर पाल के फीस दिया जा सकता है, जीवन में चलाया। तो उसी से आप सोचिए कि हमने
रिटायरमेंट के बाद हमने बहुत अप्लाई किया बैंक वगैरह को, लेकिन 1.5 साल 2 साल में भी कुछ नहीं मिला लोन के लिए फार्मिंग के लिए। तब हमने सोचा कि नहीं, जब इतने मेहनत करने के बाद में कुछ नहीं मिलता है तो हम तो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं उनको क्या मिलता होगा, उनके नाम में खुद ले लेते होंगे या तो उनको बिल्कुल नील दिखा देते हैं। तो ऐसे ही करते करते हमने किया, 350 लगाया, 3500 रुपया लगाया, 3500 से जितना देख रहे हैं उसी का प्रोडक्ट है ये, गाड़ी घोड़ा जितना है मेरे दो बच्चे। आपका शुरुआती इन्वेस्टमेंट 3500 है बस, और आज ये लाखों करोड़ों की संपत्ति, लाखों करोड़। एक किसी भी समय में 5 लाख से नीचे का मेरे पास जानवर नहीं रहता था। अच्छा। अभी ही ये लॉकडाउन से धीरे धीरे जब सुविधाएं कम होने लगी, लेबर नहीं मिलने लगे, मेरे पास 14 लेबर काम करते थे, घट के एक भी नहीं, खुद अकेले काम करते थे हम, करीब 1.5 साल तक अकेले यहीं रहकर घर भी नहीं गया जो लॉकडाउन के दौरान। और उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि जानवर क्या चाहता है, गाछ का पत्ता खिला के हमने जिंदा रखा इनको, और उतना ही हेल्दी रखा जितना उनको खाना। लॉकडाउन के दौरान इंसान को खाना नहीं मिल रहा था और आप जानवरों के लिए खाना ही इकट्ठा कर, 1.5 साल तक कंटिन्यू कर गए उसी में, करीब करीब 250 जानवर। उस वक्त क्या खिलाते थे लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन के मेरे प्रोडक्ट था, होटल तो बंद था, तो होटल बंद था, मिल रहा था, तो मेरे खेती में जो कुछ होता था हम उसे जो कहते हैं यहाँ इस प्रकार बना दिया इस पत्थर पर मुरम पर कि जहाँ पर भी कुछ भी चीज़ फेंक दीजिए तो भी प्रोडक्ट देगी। अच्छा। तो मान लीजिए कि कोहरा उगा तो कोहरा फला भी, उसका पत्ता भी खा गया, साग उगा तो वो भी पत्ता भी खा गया, गाछ के पत्ते हुए तो उसको भी काट के खिला दिए, फल हुए तो उसको भी खिला दिए, धान गेहूँ तो था ही, मेरे पास हर प्रकार की मशीन है, धान कूटने का मशीन है, आटा पीसने का मशीन है, हल जोतने का मशीन है, सब प्रकार का, सब अपना, सब घास घास काटने का सब इसी से खरीदा। मतलब 3500 के इन्वेस्टमेंट के बाद सब कुछ ये हो गया। अब आप ये भी बता रहे थे हम लोगों को कि यहाँ जो भी है सब कबाड़ है, मतलब सब कबाड़ से बना हुआ, ये क्या? ये कबाड़ से मतलब जो घर बनाया वो टूटा हुआ ईंटा, जो कि 10,000-12,000 में एक ट्रिप ईंटा मिलता है, और यहाँ हम जाते हैं तो करीब 500-600 रुपया में एक ट्रिप ईंटा मिल जाता है, तो टूटा हुआ ईंटा हमारे यूज में, हम उसी से पूरा खड़ा कर दिया स्ट्रक्चर। उसी प्रकार कोई दरवाजा खिड़की ग्रिल लोहा फेंक रहा है तो उसको खरीद लिया, कबाड़ के बदले में हम ही खरीद लिए, वहाँ अगर 30 रुपया देता है तो हम जाते हैं तो हमको 20 रुपया में मिलता है, वो लाके अपने से वेल्डिंग करके जितना गेट वगैरह सब। एक आपको दरवाजा बता रहे थे कि कॉलेज का है शायद। हाँ, वहाँ बिल्डिंग तो टूट रही थी। किस कॉलेज में? ये एक्सएलआरआई में बिल्डिंग टूट रही थी, तो हमने उसको पैसा ऑफर किया तो वो लोग बोले ऐसे ही ले जाइए ना, जितना चाहिए उतना, तो हमने सब उठा लिया। क्योंकि तो बिल्डिंग से वो दरवाजा वेस्ट हो गया तो आप ले गया के लगा दिए उसी पर। आपके दोस्त लोग भी, आप बता रहे थे कुछ के दोस्त लोग भी पुराना घर का गेट तोड़ के दान में दिए, तो आप उसको भी यूज किए? सब वैसे ही करके भी। ये जो ट्रैक्टर है वो भी शायद आप बता रहे थे ये ट्रैक्टर भी कबाड़ में रखा हुआ था, 2.5 साल ये पड़ा हुआ था, बरसात में ऐसे पड़ा, कुछ नहीं था इसका, ये चांडिल से चौका से। तो एक दिन मैं गया, उनको भी मैंने कुछ पिक्स का बच्चा दिया था, तो लोग हमको बुलाते थे कैसे पालेंगे इसको, क्या करेंगे, फिर शुतुरमुर्ग उनको गिफ्ट में दिया, ये इमू, तो उसमें बोले तो बोले कि इसको भी खरीद लीजिए ना आप, तो हम उसको खरीद लिए, उसको ठीक है कबाड़ में दे दीजिए हमको, ला के हमने अपना दोस्त यार मिस्त्री हैं उनको बुलाया और उससे क्या करने के बाद में इसमें कुछ इन्वेस्ट कर दिए, तो अभी एकदम चल रहा है। हर चीज़ बना लिया, इसका ट्रेलर भी है, इसका केज व्हील है, ये इंजन एक सेल्फ स्टार्ट, नया बैटरी लगा दिया, इंजन का पूरा मोल्ड कर दिया, पुराना होने से क्या पूरा काम चल रहा है। लॉकडाउन के पहले आपके पास कौन से जानवर थे? लॉकडाउन के पहले जितना जानवर देखे उतना सब था मेरे पास, लेकिन इमू और टर्की यही लॉकडाउन के बाद में मेरे पास नहीं है। नहीं है। पहले क्योंकि मैंने जितनों को दे दिया तो देने के बाद में हमको ये आइडिया नहीं था कि बच्चे को अगर सब दे देते हैं तो उसके पेरेंट्स को शौक लग जाता है ये देखकर, तो टर्की ऐसे ही हमने इसको सीखा,
पूरा नहीं दिए, एक दो तो बच्चे रखे उनके। अच्छा, मतलब आप पूरा बच्चा दे दिए तो दोनों माँ बाप डेथ कर गए शौक से। गम में मर गए। अभी आपके पास खरगोश है? खरगोश है मेरे पास, टर्की तो नहीं है, सुअर है और आर है, लाल मुर्गी है, देसी मुर्गी है और कड़कनाथ मुर्गी है। और एक चीज हम लोगों ने देखा कि आप वो जो बॉक्स है, बॉक्स में मुर्गी रखे हैं, वो क्या है? वो इनक्यूबेटर हमने यूट्यूब में देखा था कि कैसे वो लोग करते हैं, तो उसका दाम करीब करीब 6,500। वो लोग सबसे छोटा ये बनाते हैं, होममेड बनाते हैं, उसको 6,500। हमने इसको 1,500 रुपया खर्च करके अपने से बना लिया है इसको, और एक नहीं 6-6 बना लिया। ये लॉकडाउन के पीरियड में यहीं रहते थे तो मेरा घर जाने का टाइम बच जाता था, यहीं बना लिया। क्या होता है उसमें से? उसमें क्या होता है कि अंडा तो अपने यहाँ होता ही है, वो अंडे को उसमें रख देते हैं, बल्ब जला देते हैं, वो एक तो निश्चित टेम्परेचर दे देते हैं, टेम्परेचर देने से 21 डेज में उसमें से बच्चा निकल जाता है। तो ऐसे ही करके माँ के साथ रहना, रहकर कोई जरूरी नहीं, अंडा को बल्ब से ही सेंक कर उसे ये कर सकते हैं। अब इसमें से ये देखो, इसको मॉइस्चर चाहिए तो उसमें पानी रख देते हैं, बल्ब के गर्म होने से उसमें ह्यूमिडिटी आ जाता है, तो उसके वजन में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि और बेहतरीन ये क्वालिटी का निकलता है, बत्तख कम से कम नहीं पर मैं 100 बत्तख निकाल लिए थे हमने, सिर्फ ऐसे करके वो बॉक्स में। और अगर हम बत्तख का जरूरत क्यों पड़ती है, तो माँ के साथ ही लोग रह सकते हैं। माँ रहे तो ना, माँ सिर्फ ये जो वेराइटीज जो हमने रखा है ये सब बैठती नहीं है, अंडा देती हैं डेली, साल में 300 अंडा देंगी, लेकिन वो अपना सोएंगी नहीं, बैठेंगे नहीं, वो कुड़ुक नहीं होती हैं, इसीलिए। तो बत्तख भी उसी प्रकार, हाइब्रिड का बत्तख यहाँ वहाँ से मिल गया, मिक्स करके रख लिया देसी के साथ में, अंडे आने लगे तो उस अंडे को डाल दिया, तो 100% तो नहीं आया लेकिन 60-70% आ गया बच्चा बल्ब से के यूज से ही। तो ये माँ जो आपके पास है वो लोग माँ लोग बैठती ही नहीं है, तो गर्मी मिलेगा। हाँ, तो इसलिए जब नहीं बैठती हैं, खाना देते रहते हैं, वो भी खाना हमने कोई स्पेसिफिक खाना जैसे पोल्ट्री फार्म वाले जो देते हैं फीड, वो नहीं दिया, जो हमारे पिक्स के खाना आते हैं उसी में से निकाल के, आपने देखा होगा खरगोश को भी पाव रोटी का टुकड़ा आया तो उसको दे दिया, चपाती का टुकड़ा आया तो उसको डाल दिया। कितने अभी सुअर हैं आपके पास? सुअर के अभी 62 होंगे। 62, सबसे हाईएस्ट वजन का सुअर कितना? 2 क्विंटल 72 kg होगा। और खरगोश कितने? खरगोश तो करीब 60 तो होगा ही, सिर्फ दो किसी दोस्त ने ला के छोड़ दिया था, उसके घर में ये तकलीफ हुई पालने के लिए तो उसने लाके हमारे यहाँ छोड़ दिया, हमने उसको पाला। तो दो खरगोश आपको दान में मिल गया? दान में मिल गया, गिफ्ट दे दिया किसी ने, तो आपने उसको पालना शुरू किया, और वो 2 से 100 अभी है। और इससे पहले आप बेच चुके हैं? इससे पहले बेच चुके हैं, गिफ्ट में दे चुके हैं, बहुत सारे ये है। अच्छा, इसमें मेरे पास सिर्फ व्हाइट था, तो किसी को आया कि अरे मेरे पास में ब्लैक वाला है, तो हमने उसको एक्सचेंज भी कर लिया। अच्छा। तो कुछ ब्लैक भी आ गया, कुछ ब्राउन भी आ गया, इसी और। आप वो मिक्स ब्रीड का भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं? वो जरा देखिए, पिक्स पर बहुत सारा ये किया, मेरे पास 5 वैरायटी के पिक्स हैं। कौन सा? हेम्पशायर, वाइट लार्ज और टम्बर्ड, उसके बाद में झारसुक और घुंघरू, ये 5 किस्म का है। मैंने इनको इंटर क्रॉस करा कर आगे इससे दूसरा वैरायटी या उसी का ही एक अच्छा वैरायटी का निकाल लिया। हमको इसमें चाहिए था कि अधिक बच्चा दें, जल्दी तैयार हों और बीमार नहीं हो, तो तीनों चीज़ हमने इसको सक्सेस किया। तब कई ये वैज्ञानिक लोग या तो एक्सपर्ट लोग कहने लगे कि सुअर के साथ में कोई जानवर नहीं पाल सकते। हमने गाय पाल के दिखा दिया, हमने बकरी पाल के दिखा दिया, बत्तख मुर्गी सब पाल के दिखा दिया, इमू भी पाल के दिखा दिया इन्हीं सुअर के साथ। अब उनके लिए एक्स्ट्रा कोई खाना नहीं लाया, जो सुअर खाता है या सुअर का जो बीट निकलता है या उसका खाना बचा हुआ वही ये लोग खा। अच्छा, इसके अलावा और एक एक्सपेरिमेंट किया कि ये लोग ड्राई फीड में, जितना हरियाणा पंजाब और जितने राजस्थान वगैरह में ड्राई फीड पर ये लोग सुअर पालते हैं, हमने इसको वेस्ट से
ये होटल वेस्ट या किचन वेस्ट से हमने इसको शुरू किया। इससे हमको दो फायदा हुआ, एक तो किचन का वेस्ट जिसको कहीं भी फेंक दीजिएगा तो दूसरा दिन फेंकने नहीं देगा, क्योंकि इससे वातावरण गंदी हो जाती है, पॉल्यूशन आता है, स्मेल आता है। तो एक प्रकार से इसका यूटिलिटी भी बढ़ गई और क्लियरेंस भी हो गया, और इससे फायदा हुआ कि हमको जीरो कॉस्ट में ये जानवर भी पलने लगे। जीरो कॉस्ट तो नहीं कहेंगे, ट्रांसपोर्टिंग में लगता है, लेबर में लगता है, लेकिन अगर फीड खरीदने में हमको 26 रुपया से 31 रुपया के बीच में मिलता है तो ये हमको 5 रुपया में हो जाता है। तो यही सब ये कहाँ से मिलता है, या आप घर पर जाकर उठाते हैं? ना ना, होटल से या हॉस्टल से। आप डब्बा दे देते हैं? डब्बा वहाँ पर रख देते हैं, अपनी गाड़ी से खुद जाते हैं, अपने ड्राइव करके जाते आता हैं, है यहाँ पे। उसके बाद उसको छांटते हैं। कौन सा चीज उसमें निकालते हैं, कौन सा रहने देते हैं? जितना इडेबल है पिग्स के लिए वो हम रख लेते हैं, और जितना जो है डिस्पोजल ग्लास वगैरह हुआ, प्लास्टिक वगैरह हुआ, लोहा लकड़ हुआ, ये लकड़ी हुआ, ये सब अलग निकाल लेते हैं। तो उसमें वेज नॉन वेज तो सब होगा? सब 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 खा जाते हैं सब। इसीलिए हमको कोई चीज यानी इसको एक्स्ट्रा ये देने की जरूरत नहीं होती है इसमें। तो उसका मार्केट क्या है सुअर का? हाँ, इसका मार्केट एक तो लोकल है, लोकल में कुछ सस्ता देना पड़ता है और कम क्वांटिटी में, लेकिन इसका इंटर स्टेट मार्केटिंग भी होता है। नॉर्थ ईस्ट में इसका इतना डिमांड है, ये हमने इसका मार्केटिंग के लिए जापान और चाइना में भी कोशिश किया था। मतलब यहाँ से आप जापान चाइना भेजने के लिए मेरे दोस्त कटिंग करके? नहीं नहीं, कटिंग करके भी, जिंदा भी। ये है तो जिंदा तो स्विप से जाएगा तो कॉस्टली हो जाता है। हमने नॉर्थ ईस्ट में ये नागालैंड हुआ, मिजोरम हुआ, फिर इधर क्या कहें ये आसाम, यहाँ पर बड़ी अच्छी। देखिए यहाँ हम लोग 120 रुपया में लाइव स्टॉक बेचते हैं केजी में, और वहाँ पर 450 रुपया केजी। अच्छा, मतलब आप जिंदा 120 रुपये केजी भेजते हैं और वहाँ कट के वो साढ़े चार? नहीं, कट के नहीं, कट के 600 रुपया। अच्छा, जिंदा वो साढ़े चार सौ से भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन ट्रांसपोर्टिंग है प्लस जो है रास्ता का खर्च, पुलिस मांग रहा है तो कहीं पकड़ दकड़ हो रहा है, तो कहीं कुछ गुंडागर्दी हो रहा है, ये सब में खर्चा वर्चा है। तो वो सब अगर माइनस कर देते हैं फिर भी 200 रुपया का नेट बचत है केजी में। तो अभी आप कहाँ कहाँ भेजते हैं? तो अभी तो लोकल जो है रांची हुआ, झारखंड, ये झारखंड के अंदर ही नागालैंड इधर भी है, अभी कस्टमर मिले हुए हैं 2-3 जन। और आप जो चाइना और कोरिया का बता रहे हैं? हाँ, कोरिया का बता रहे हैं, वहाँ सक्सेस नहीं हुआ है, वहाँ सक्सेस नहीं हुआ। वहाँ एक दो होटल वाले हैं, यहाँ के लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी यहाँ पर पिग फार्मिंग करना चाहते थे, आते थे तो कांटेक्ट हुआ, तो बात में पता लगी कि ये लोग का होटल है वहाँ। तो हमने कहा कि ईमू का मार्केट देखिए क्या, कि यहाँ झारखंड में बिल्कुल नहीं है ईमू का, टर्की का नहीं है। इसी प्रकार पिक्स का भी एकदम लो कॉस्ट में जाता है, जो लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट है। अगर काट के बेचते हैं तो वेस्ट होता है, अगर एक क्विंटल का काट दिए तो 50 केजी बिका, 50 केजी रह गया, उसको फ्रिज में रखिए, बिका तो बिका, नहीं तो खिला दीजिए इन्हीं को, उन्हीं को दे दीजिए, वही खा उन्हीं को। हमने कितना बार किया है। सुअर से आपका मतलब आए साल सालाना या महीने का? बहुत बहुत है, 60% आप सोच लीजिए इसका। हमने कैलकुलेट करके देखा कि अगर आप 100 रुपया खर्च करते हैं तो आपको 160 रुपया आएगा। अच्छा, मतलब सुअर के पीछे 100 रुपया खर्च कर रहे हैं तो 160 आपका इनकम है? इनकम है। आपका कुछ टर्नओवर साल का, महीने साल का तो कोई हिसाब नहीं, कभी 3 लाख, कभी 2 लाख, कभी ये है, जब फुल फ्लेजेड में चलता है तो। अभी भी पूरा खर्च चल जाता है। हमने हर बच्चे के लिए गाड़ी खरीद दिया, शादी करा दिया, चार चक्का, 5-6 तो गाड़ी हो गई। खरगोश का क्या मार्केट है? खरगोश का मार्केट अभी तक नहीं ये किए हुए हैं, लेकिन एक बार हुआ था मेडिकल कॉलेज में, जो एक्सपेरिमेंट या एग्जामिनेशन वगैरह होता है प्रैक्टिकल के लिए होता है, तो मेढक पे करते हैं ये लोग एक्सपेरिमेंट के लिए मंगाते हैं, और एक पेड़ 600 रुपया में बिकता है उनसे। बाजार में हम लोग 300 रुपया में भी देते हैं, कभी
अगर देहात का आ गया तो इनको हम लोग 200 रुपये में भी दे देते हैं। सुअर तो लोग खाते भी हैं क्या? हाँ। खरगोश का भी ये बाजार है जहाँ से इनको? आपके इलाके में है या? इलाके में है। इसका कोई इंटरेस्ट रेट आपका अभी तक नहीं, 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 नहीं किया है अभी तक, कोशिश नहीं किया है। और ये तो शो के लिए, देखने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए रखा है। मतलब ये बस आप इसको ऐसे ही रखे हैं, खिला रहे हैं इनका, इनको प्रॉफिट और कोई लॉस वाला नहीं, नहीं। इसमें ये भी कहे कि इसमें तो एक्स्ट्रा हमको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, जो किचन वेस्ट आ रहा है उसी में हमको सब्जी का छिलका मिल रहा है, पत्ता मिल रहा है, भात मिल रहा है, रोटी मिल रही है, तो वो सबको डाल दिया, बस उसी से ये हो। कड़कनाथ का? कड़कनाथ का है मार्केट, उसका डिमांड भी अच्छा है क्योंकि उसका मेडिकल वैल्यू है। कड़कनाथ का यहाँ पर 750 से 1200 रुपया पर केजी इसका मीट है, चिकन का, कड़कनाथ, कड़कनाथ का हम लोग 750 रुपया केजी लाइव वेट में दे देते हैं। अच्छा, जिंदा 750 रुपया केजी। एक्स का है 40 रुपीज मार्केट रेट, हम लोग यहाँ 20 रुपीज में दे देते हैं। और वो भी जो प्राइवेट आता है, किसी को ज़रूरत है, ये है विशेष करके लेडीज़ लोग को अगर प्रेस्क्राइब कर देते हैं डॉक्टर लोग को, तो 120 का टैबलेट खरीदने के बदले 20 रुपये का अगर ये अंडा खरीद लेते हैं इक्विवेलेंट टू दैट टैबलेट। अच्छा। तो इसीलिए वो सब हो जाता है। सर नए जो दूसरा सवाल ये, कितने लोगों को आप, एक तो आप लॉकडाउन के पहले बता रहे थे 14 लोगों को रोजगार दे दिए हाँ। थे, अभी लोग कम हो गए हैं। हाँ। दूसरी बात आप बता रहे थे कि हम कम से कम 6,500 लोगों को अभी तक ट्रेनिंग दे चुके हैं। 6,000 6,000। अच्छा, तो हम लोग ऐसे कहते हैं कि हम एसोसिएटेड हैं इनके साथ में, ये क्या कहते हैं KVK के डॉक्टर और एक्सपर्ट और जो ये लोग हैं डॉक्टर और ये साइंटिस्ट लोग हैं उनके साथ में। तो वहाँ हम लोग हर महीने में क्लास के लिए बुलाते हैं, जिसमें हमको गेस्ट के समान बुलाता है, वो फीस उस कुछ नहीं लग लेते हैं ना, वहाँ पर फीस लगता है। लेकिन इधर देख रहे हैं कि 2-3 साल से इतना डिमांड पिघरी का है, यानी सीखने के लिए हम लोग 10 बुलाते हैं तो 200 आ जाते हैं। आप लिस्टिंग कर रहे थे 6,500 तक की है। हाँ, उसके बाद छोड़ दिया। उसमें पिगरी फार्म में आप क्या अंतर देख पाए? पिगरी का अभी जाइए तो घर घर पिक्स मिलेगा आपको, कम से कम मेरे इलाके में। उस दौर में ट्राइबल कम्युनिटी इसको इसको कर रहा था। हाँ, और उस समय कर रहा था, और देसी का ब्रीड कर रहा था। देसी का में क्या है कि एक बेर पालते हैं तो मैक्सिमम 1 साल में उसका ग्रोथ होता है 65 kg। 5 साल रखिएगा तो भी 65 kg रहेगा। और ये सुअर तो आपने देख लिया, 2 साल के अंदर 2 क्विंटल हो गया। अच्छा, 2 साल के हैं इतने बड़े? 2 साल के, 2.5 क्विंटल के मेरे पास है, क्योंकि इनको भोजन बढ़िया मिलता है, यही है। अच्छा, मतलब अभी जो बच्चा आपके पास है जो 10-10 kg के, वो 3 महीने के हैं? नहीं, ये 1.5 महीने के। 1.5 महीने के जो बच्चे 10-10 kg के दिख रहे हैं? 1.5 महीने के। बिकने लायक कब, मतलब मार्केट में कटने लायक? 8 महीना में ये लोग 80 kg का हो जाता है और फिर वो मार्केट में चले जाते हैं। चले जाते हैं, यानी मेरे यहाँ 1 साल में 1 क्विंटल 20 kg हो जाता है। ये 1 साल में 1 क्विंटल 20 kg हो जाते हैं, जो कि दूसरे लोग इतना नहीं खिला पाते हैं ना, और उनको आइडिया भी नहीं है कि इसके साथ में क्या दूसरे लोग। हम लोग एक बार बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज गए थे इसी चीज को देखने, वहाँ वाले तो पहले जाइएगा तो रेकमेंड करेगा कि जाइए सोरेंग साहब के यहाँ। और कमजोर था आपका तो, हमको लगता है उसका डबल स्थिति में है, तो बच्चे बहुत कुपोषित लग रहे थे, पता नहीं खाने की दिक्कतें हैं क्या, पता नहीं। नए जो लोग सर, जो नए लोग सरकारी नौकरी की ओर बढ़ना चाहते हैं या कुछ और बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह? देखिए, हमारा एक्सपीरियंस, मेरे स्टूडेंट, मेरे यानी कलीग कहिए चाहे तो मेरे चेला लोग कहिए, नौकरी बैंक का नौकरी छोड़ छोड़ के पिगरी फार्मिंग में आए हुए हैं। आप यहाँ से डिमना लेक के पास में जाइएगा तो 4-5 ठो है। बैंक की नौकरी छोड़ दिए? छोड़ दिए। बहुत लोग जो गवर्नमेंट टीचर थे वो लोग नौकरी छोड़ के इसमें आ गए हैं। हमने उनको बता दिया, मेरे पास हम मिलने आते हैं,
तो वो लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि क्या ये है, तो एकदम फैक्ट मेरे पास तो टोटल अकाउंट भी है, 2004 का 4 तारीख जनवरी से शुरू किए हैं सो अब तक का है मेरे पास में, देखिए कैसे ये प्रोग्रेस करता है, सो बता रहे हैं कि आमदनी होती है सो। और हमने उनको कहा कि आप अभी मेरे पास पैसे के लिए आते हैं, तो उनका आपको कहते हैं कि कल आइए मेरे पास पैसा ले, इसलिए एकदम ये बैंक से भी बढ़िया है। सही, तो सुगर पार्लर में बैंक से एकदम हॉट केक समझिए। तो मुख्यमंत्री महोदय का एक बयान आया था कुछ दिन पहले, वो बोले सुअर पालिए मुर्गी पालिए, क्योंकि नौकरी तो पैसे के लिए कर रहे हैं आप, तो नौकरी ज़्यादा स्वरोजगार की ओर ध्यान दीजिए, इसको आप कैसे समझते हैं? एक चीज़ का है, वो लोग थ्योरिटिकल हैं, प्रैक्टिकल में तो हैं कि इस बयान क्योंकि आप सरकारी नौकरी किए, अपना पूरा समय सरकारी नौकरी में दिए, फिर रिटायर किए, उसके बाद आप इसमें फुल फेज आ गए, तो इसको आप इस बयान को कैसे लेते हैं कि देखिए स्वरोजगार, हमने कहा ना कि रिटायरमेंट के बाद में एक साल तक 2003 में जितने मेरे दोस्त हैं सबका मैं एक एक महीना नौकरी किया, उनका नौकरी यानी सर्वेंट रहा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्या है? कैसे बता दें कि मेरा एक दोस्त जिसका 7 पेट्रोल पंप है और 22 उनका टैंकर है, समझिए उसके पास में, वो मेरे बच्चे के साथ उनका बच्चा पढ़ता था, तो जब उसका देखने से धंधा देखने जाते थे ना, तो उसमें देखा कि जब तक दो नंबरी नहीं करेगा कुछ नहीं कमाएगा, पेट्रोल टंकी में सब में। कई बार उसके साथ गया तो देखा कि पेट्रोल पंप का पेट्रोल, गाड़ी का पेट्रोल खाली हो गया लेकिन उसका खाता में पेट्रोल है ये है। फिर आया कोई फ्री में भरा लिया तो 10 गाली भी दे दिया उसको और पेट्रोल भी भरा लिया उसका गाड़ी में, ये नेताजी लोग का खूबी है। तो लेकिन हमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा भाई ये सब चीज ना, हम दो नंबरी कर सकते हैं। बिजनेस देखने जा रहे थे कुछ नया, बिजनेस रिटायरमेंट की क्या किया जाए, तो वहाँ पर रहे उनके हाँ उनका पेट्रोल पंप, उनको पूरा आइडिया है कि इससे पेट्रोल पंप चलाया जाता है। उसी प्रकार ईटा भट्टा वालों का एक एक ईटा भट्टा का गाड़ी 4-5 है, ईटा भट्टा 2 है, तो उसमें कैसे शोषण करता है ये लोग लेबर का, कैसे बेचता है, कैसे मिलाता है, क्या करता है, सब देख लिया उसमें भी। इसके बाद ट्रांसपोर्टर के बाद द वर्स्ट थिंग ऑक्यूपेशन में कहिए, काम में कहिए, तो ट्रांसपोर्टिंग का है, गाड़ी घोड़ा वाला मामला, उसमें किसी को भी माए बहन से नीचे गाली नहीं होता किसी को भी, और जितना लुच्चापना होता है उसी में होता है, वो भी देख लिया। मेरे दोस्त आदित्यपुर में है, उनके पास 63 ये ट्रेलर थे उस जमाने में, जब मेरे पास में ट्रक थी, उनको 6 चक्का की गाड़ी थी मेरी, वो भी गिफ्ट में मिला था मिशन से, उनका काम कर देते थे तो बोले कि हम लोग को 1,30,000 मिल रहा है, तुमको 90,000 में देते हैं, दे दिया, और वो भी पैसा मत दीजिए, काम कर दीजिए हम लोग के लिए, काम कर दिया तो था। 11 साल रखा मैं, तो उसी समय ट्रांसपोर्ट का भी काम उनके यहाँ काम, 11 साल हम गाड़ी चला के भी देखा, चलवा के भी देखा, तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया कि जिस समय से गाड़ी घर के आंगन से निकलती है उस समय से टेंशन रहता है, जब तक घर नहीं आया तब तक, बोला ये भी धंधा ठीक नहीं है, तब हमने खेती को ठीक समझा, खेती भी तो ऐसा वेस्ट लाइन मिला, और जो मेरे पास में 14 साल था वो सर्वेंट पूरा परिवार, उसको हम कितना मैं हफ्ता में, तो आपने दोस्तों के यहाँ काम किया इसलिए क्योंकि आपको सीखना था क्या हम कर लेते हैं, क्या अनुभव लेते हैं होता है, लेकिन आपसे हो नहीं पाए, वो नहीं, तो खेती करना शुरू किया, खेती में तो बताइए दिए कि कुछ फायदा नहीं, तब ये एनिमल शुरू किया, तो जो लोग मेरे से सीखने आए वो लोग जो कोई कहने लगे कि नहीं हम ये करते हैं, हमको इतना पैसा मिलता है, कुछ नहीं होता है, तो बोले क्या करना चाहते हैं, तो वो लोग मेरा वीडियो वीडियो सब ये जैसे आपको बता रहे हैं, देखिए 2,00,000 रुपया आता है, हमको पैसे की ज़रूरत नहीं, मेरा पेंशन आता है, हम लोग वाइफ हजबेंड के लिए, तो बच्चे मेरे सब सेटल हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, 4 बच्चे 2 लड़की 2 लड़का, बड़ी लड़की डॉक्टर है रिम्स में, उसके हस्बैंड भी ये में है, ESI में है, उसके बाद में बड़े लड़के हैं यहाँ MGM में, उसकी बहू भी डॉक्टर है, दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर में हैं ये हैं, उसके बाद एक बेटी नागपुर में शादी दिए हैं, उसके हस्बैंड वेलफेयर अफसर हैं,
और सिक्योरिटी के सोल इंचार्ज हैं ये सेंट्रल कोल फील्ड के। और सबसे छोटा बेटा है जो मेरे साथ में है, वो यहाँ पर जहाँ से आप इंटर किए ना उसके बगल में ये क्या नाम डुलेक्स पेंट्स का एजेंसी लिए हुए हैं, तो इसीलिए सब कोई सेटल्ड हैं सबको। ये आपकी पॉकेट मनी है? पॉकेट मनी है, पॉकेट मनी में ना टाइम पास समझिए, तो ये टाइम समय रिटायरमेंट के बाद का व्यतीत कर रहा हूँ, उससे पैसा आ जा रहा तो आ जा रहा है। इसके साथ इसी से मैं जितने लेबर को भी दे रहा हूँ, जो कोई किसी को बुरे दिन आया तो उनको पैसे की ज़रूरत है तो वो भी दे रहे हैं, दिया नहीं दिया वो जाने, कम से कम 5-6 लाख रुपया तो मेरा बाहर में ऐसी है, कोई सुअर वाला ले गया तो ला देंगे, बोला आज तक लाया नहीं, इस प्रकार भी होता है। लेकिन अभी क्या है कि पिगरी में ये क्या कहें उधारी नहीं है, उधारी लेन देन नहीं है। और जैसे कहा कैश दीजिए ले जाइए, कहीं भी जाइए किसी के पास भी मिल जाइए, ये एक सिस्टम। इसमें हमने 2-3 चीज़ डेवलप किया और रिसर्च के ये चाहे तो सीखा कि इसको तुलनात्मक ढंग से हमने किया। सुअर तो एक देहात वाला भी पाल सकता है, एक पढ़ा लिखा भी पाल सकता है, एक फार्म वाला भी पाल सकता है, कोई लेमैन भी पाल सकता है। लेकिन हमने उस डॉक्टर आर एम मिश्रा के साथ में मिल के बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। पहला तो ये ब्रीड पर किया, दूसरा चीज़ फीड पर किया कि वेस्ट फूड और ये में क्या अंतर है और इसको मिक्स देने से क्या अंतर है, इसमें जर्मिनेशन कहिए चाहे तो फर्टिलिटी कहिए चाहे फैटनेस की कहिए, सब प्रकार का एक्सपेरिमेंट हम लोग ने करके देख लिया। इसमें जो 4 प्रकार के शुगर आपके पास हैं, क्या अंतर है उन चारों? चारों में अंतर ये है कि कोई अधिक बच्चा देता है, कोई जल्दी बढ़ता है, कोई पतला होता है, कोई दुबला होता है, तो कोई किसी का वजन स्वाद भी अलग अलग। नहीं नहीं सर, ये कहने की बात है, हम देखते हैं यहाँ के लोगों को है कि ब्लैक वाला जो सुअर होता है सबसे अच्छा होता देसी अच्छा होता है, उसमें चर्बी कम होते हैं। फैक्ट ये है कि चर्बी तो कम होता ही है, काहे कि ये तो न्यूट्रिशन खाता है, अधिक चर्बी होगा ही, लेकिन टेस्ट में भी कोई नहीं, वो भी उतना ही दिन रहता है। इसको हम 28 डेज तक फ्रिज में रख के एज इट इज मीट दिया है, जिसको कि सुअर पालने वाला खाने वाला भी नहीं पकड़ पाया ये 28 डेज पुराना है। तो अगर फ्रिज में 28 दिन तक भी रख दे तो खराब नहीं होगा, उसका स्वाद बरकरार रहेगा एकदम। लेकिन इसमें एक तो ये है, अब कहिएगा कि कैसे मोटिवेट होते हैं सुअर पालने में लोग, कहे नौकरी का है छोड़ देते हैं। हमने उनको हमने 33 ईयर्स नौकरी सर ये किया, हमारा फर्स्ट वेतन था 248 रुपया, 250 रुपया में ज्वाइन किया था, 2 रुपया इस टीचर्स वेलफेयर फंड में कट जाता था तो 248 मिलता था। अभी हमको 60,000 पेंशन मिलता है, सोचिए 60,000 में से पेंशन है, कुछ नहीं करना है, उससे मेरा घर चलेगा, मेरा जितना वाइफ टीचर थी। अच्छा। टीचर थी, उसके बाद गवर्नमेंट थी मिशन की, हमने उसको नहीं काम करने दिया, बच्चों को पढ़ाइए, हम वेलफेयर काम में ही ज़्यादा रहे, मिशनरीज के साथ में रुके रहे उनके साथ यहाँ वहाँ, मैंने बहुत सारा काम उनसे सीखा। हम जब जमशेदपुर में एक बिल्डर नहीं था उस समय हम बिल्डर का काम करते थे, समझिए मानगो में केवल इसी एरिया में 48 बिल्डिंग बना चुके हैं। ये मेरे पास एक से एक इंजीनियर थे, उन्हीं से इंजीनियरिंग अपना मैप भी बना लिया, सब चीज़ कर लिया, अपना घर का मैप भी बना लिया, सब चीज़ कर लिया। दूसरा फार्मिंग को और बड़ा करना है या नहीं, अब तो छोड़ना है ये कौन चलाएगा बेटा? नहीं कोई नहीं चलाएगा। तो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया उसका क्या होगा? बस गिफ्ट में चला जाएगा किसी को, जो करना चाहेगा किसी को तोहफा में दे देंगे। तो बच्चे नहीं करेंगे, रेडीमेड चीज है लेकिन नहीं करेगा वो, सब इनोवेटिव है, सब कोई अपना अपना। कुछ सवाल है? इसीलिए एक चीज, लेकिन सबसे एग्रीकल्चर सेक्टर में हम कहते हैं कि पिक फार्मिंग से हम टाटा कंपनी के साथ भी तुलना करते हैं कि वो भी अगर परसेंटेज निकाले तो इतना इनकम नहीं है। अच्छा, इतना
60% किसमें है? एक मारवाड़ी को लीजिए, एक बोरा एक क्विंटल अगर चावल खरीदता है या अनाज खरीदता है बेचता है तो 50 रुपया से ज़्यादा नहीं मिलता होगा। सो कितना आया, 1,000-1,200 रुपया में एक बोरा खरीदा तो 50 रुपया का इनकम हुआ, कितना परसेंट आया। और यहाँ इसको 4,000 में खरीदिएगा तो 20,000 में बेचिएगा। एक जो आप बता रहे थे कि 80 kg 90 kg में सुअर बिकता है, हाँ, कितने बिकता है आप जोड़ लीजिए, कम से कम 130 रुपया किलो, 30-40 हज़ार हो जाते हैं आराम से। यानी क्या कहेंगे, इसमें मुँह मांगा पैसा है। अच्छा, यहाँ का सिस्टम अभी ऐसा भी हो गया है ना कि लोग जो है विशेष करके आदिवासी जो मार्केट करने जाते हैं, इंटरटेनमेंट का तो मार्केट छोड़ के और कोई साधन नहीं है इनका, मार्केट में जाते हैं तो होटल बनाया है। पहले क्या देखता था कि संथालीज लोग जो है ये खरीदार होता है और माहतो लोग जो हैं ओबीसी में आते हैं ये लोग था दुकानदार। अभी उल्टा हो गया, तो हम कभी कभी जाते हैं फिश मार्केट, मेरे यहाँ से ले भी जाता है वो लोग, तो कभी जितना लोग गए हैं वो लोग सब कोई जानता है उनको कि फिश फार्मर है बोल के, तो वहाँ देखते हैं तो दुकान बाज़ार में लगाया हुआ है, पीछे में एक जन बैठा हुआ है कढ़ाई चढ़ा के वो घूम रहा है, वो लोग दारू ला रहा है, इससे मीट खरीद रहा है दुकानदार से, पीछे पकवा रहा है उसको मीट खा रहा है, पकाने का भी पैसा दे रहा है, खाने का भी दे रहा है, उल्टा ये है। तो ये पहले था आदिवासी जी, अभी उल्टा हो गया। तो पहले ये था कि महतो लोग बेचता था, आदिवासी लोग खरीदता था, अब अभी उल्टा हो गया है, महतो खरीद रहा है आदिवासी बेच रहा है तो इसीलिए तो मतलब लोगों को सलाह देते हैं कि फिर फार्मिंग कीजिए। पर इतना बड़ा मार्केट है झारखंड के अंदर, बड़ी आबादी में लोग, अभी तो इनको हम वही तो कह रहे हैं अगर हमको प्रशासन सहायता करे ना, उल्टा ये लोग तो चूसता है हमको एकदम मुँह में। कल परसों आया था प्रभात खबर वाला, हमने उनको कहा कि आप लोग डायरेक्ट लिखिए, ये लोग डोर टू डोर जाके जैसे कहते हैं कि हमारा हेमंत सोरेन भी कहता है कि ये प्रोजेक्ट है घर पर जाकर आपको ये प्रोजेक्ट करवाएंगे, लेकिन कोई करता है, कोई ऑफिसर नहीं आता है, आज तक कोई नहीं आया यहाँ तक ये करके। तो अगर ये चीज़ सरकार करे और बढ़ावा दे खेती हर को, फार्मिंग को तो हर क्षेत्र में बढ़ेगा, जैसे पिक फार्म को हम लोग बढ़ाए हैं वैसे ही। ठीक है, ये हो गया, कुछ है तो कहिए कि प्रशासन इसको मदद करे। एक तो अगर हम यहाँ से जानवर भेजते हैं मेरी गाड़ी से, तो यहाँ से निकलते ही पुलिस रोक लेगी और वसूली लेगी, ये तो क्यों नहीं इसको प्रतिबंध तो है नहीं है प्रतिबंध, लेकिन ये लोग जबरदस्ती सौखिया मनमाना है। तो अगर इसको प्रशासन डीसी डीडीसी या ये ट्रांसपोर्ट सेक्शन में जितने अफसर हैं ये लोग इसको परमिट दे दें, किसी एक को दें, किसी एसोसिएशन को दें या किसी ये पिक फार्मर को दें, लेकिन उसके थ्रू से अगर जाएगा तो एक प्रकार से होगा। आपको एक चीज़ बताएं, हमको बड़ी अफसोस लगता है, हम लोग मेहनत करके सबको सुअर पालने के ये करते हैं और आमदनी करवाते हैं, दो ठो सुअर पालता है, कुत्ता भी पालता है, कुत्ता को भी खाएगा खिलाएगा वही जूठा भात बच्चा लोग का, सुअर को भी वही खिलाएगा, लेकिन कुत्ता से क्या मिलता है उसको, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन साल का आखिरी में वो दो ठो सुअर पाला है उसको बेचता है तो सब कपड़ा लता सब एक घर परिवार के लिए हो जाता है, हो गया। एक एक ठो को 10,000 भी मिला तो 20,000 रुपया हो गया उसको। लेकिन वो भी क्या करते हैं जो लोकल मार्केट में है, ये लोग अपना सुअर तो पालते नहीं हैं, खरीदते हैं इनको ठग के, और उन्हीं लोग से ठग के खरीदते हैं जो कि बिना खर्च के पाल रहे हैं। जैसे एक किसान के घर में दो सुअर है तो वो तो जूठा भात खिला के कर लिया, हम तो ट्रांसपोर्ट में खर्चा कर रहे हैं, खिलाने में दवाई में खर्चा कर रहे हैं, तो मेरा कॉस्ट और उसका कॉस्ट तो अलग हो गया। उसको 1,000-2,000 दे के वो ठग के ले जाएगा, अपने 10,000 कमा लेगा। मार्केट में तो वही रेट है चाहे मेरे यहाँ से वो 10,000 में खरीद के ले जाए या उसके यहाँ से 2,000 में खरीद के ले जाए। लेकिन ये तो ये चीज़ को बंद कराना चाहते हैं कि डायरेक्ट जो पालता है उसको फायदा होना चाहिए। तो अभी एजुकेटेड लोग आ रहे हैं पिक फार्मिंग में, अभी कुछ साल 2 साल से देख रहे हैं कि हम लोग जो कहें ना के वी के में बुलाते हैं ट्रेनिंग के लिए,
तो और चीज का भी ट्रेनिंग होता है वहाँ, 10 आते हैं तो हमारे यहाँ पर 50 आते हैं। कल भी जाके देखा तो वही देखा। इसे अभी हम लोग ईस्ट सिंहभूम को छोड़ के वेस्ट सिंहभूम में भी जाते हैं दोनों आदमी अपने कोस्ट से, कि वहाँ पर कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग को जानता है सब इनवाइट करता है कि अब हमारे यहाँ भी किसान को बताइए, तो उनको भी बताते हैं जाके। अभी राउरकेला का प्रोग्राम आया है जनवरी में, ट्रेनिंग देने जाएंगे, ट्रेनिंग जाएंगे देने जाएंगे।